अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं लाहौर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। इसमें पार्क्स हैं, बागात हैं और तारीखी इमारतें हैं। इसके अलावा इस शहर में बहुत खूबसूरत और तारीखी मस्जिदें भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ माल रोड पर मस्जिद शोदा रीगल चौक के बिल्कुल सामने मस्जिद के पास। ये आप मेरे पीछे मस्जिद का मेन गेट देख रहे हैं, तो आइए आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं। ये मस्जिद का मेन गेट है, इसे मस्जिद शोदा कहा जाता है। अंदर दाखिल होते हैं, ये आप सामने देखें बहुत खूबसूरत गोलाई में एक बड़ा ऐसे गुम्बद नुमा छत जिसके ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये मस्जिद शोदा है। मस्जिद शोदा ये सन 1965 के जंग के दौरान शहीद होने वाले पाक फौज के नौजवानों के नाम पर या उनकी याद में तामीर की गई थी। ये मस्जिद शोदा बहुत खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है जिसका डिज़ाइन ईरानी और तुर्की तर्ज तमीर के मुताबिक बनाया गया है। अंदर से भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, गुलाई में इसकी शक्ल है। ऊपर छत के किनारों पर रोशनदान लगाए गए हैं। छत भी बहुत खूबसूरत है जो कि ब्राउन कलर का एक वेलवेट किस्म का ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है। झालर लगी हुई है जो गोल्डन शक्ल की है और दरमियान में बहुत खूबसूरत फानूस लटक रहा है। और सामने आप देखें कि मिंबर भी है और मेहराब भी है। मस्जिद के अंदर और बाहर सैन में एक वक्त में हज़ारों लोग यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद पाकिस्तान और कश्मीर को मुजाहिदीन की याद में तमीर की गई है जिन्हें 1965 की जंग में जहाद की तौफीक और शहादत की तौकीर अता हुई। ये 1970 में तमीर हुई। मस्जिद के नीचे एक तहखाना भी मौजूद है जो आम तौर पर स्टोर रूम का काम करता है। ये खूबसूरत मस्जिद, इसकी दीवारें, इसका गुंबद और मीनार सफ़ेद मार्बल से बनाए गए हैं। मस्जिद की तरह मस्जिद का मीनार भी बहुत खूबसूरत है जिसके टॉप पर सुनहरी रंग का एक चांद बनाया गया है और सारा मीनार भी संगमरमर से बना हुआ है। मस्जिद में तहारत के लिए और वुजू के लिए भी ठंडे और गर्म पानी का इंतज़ाम मौजूद है। तहारत का और वुजू का वसी बंदोबस्त यहाँ पर मस्जिद के बैक साइड पर ही मौजूद है। बहुत खूबसूरत गुंबद है। ये मीनार इतना बड़ा है कि इसकी बुनियाद पर एक बड़ा कमरा सा बन गया है जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।